नमस्कार, अर्बन में आपका स्वागत है। मैं हूं नसरीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की कि जिसके बारे में कुछ भी शायद नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इस समर्थन में हैं, खास करके वो युवा पीढ़ी जो कि समझ रही है कि उनके और उनके बड़ों के बीच में एक बड़ा सा जनरेशन गैप है। जी हाँ, हम बिल्कुल पश्चिमीकरण की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसे हमें अपनाना चाहिए या नहीं, इसमें कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, जो की सोशल एक्टिविटी करती हैं और एनजीओ भी चलाते हैं महिलाओं की, रुझान कंबादा जी। रुझान जी, स्वागत है आपका। और साथ ही है युवा संस्था से हमारे साथ पार्थ वसारा, जो कि युवा भी हैं और संस्था भी चलाते हैं। पार्थ जी, स्वागत है आपका। क्योंकि ये जो मुद्दा है केरला में, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, केरला में कल यानी कि 2 नवंबर के दिन एक किस फॉर लव करके एक इवेंट मनाया गया और इसमें कई सारे युवाओं ने एक दूसरे को किस किया। उनका कहना है कि इस तरह से वे प्यार का मैसेज दे रहे हैं और किस करके जो कंजर्वेटिव जो लोगों के जो विचार शक्ति है, जिनके दिमाग है, जिस छोटा कहा जाता है, उसको बड़ा करने की और देश में ये संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसे कितना सही माना जाए और इसे कितना गलत माना जाए। सबसे पहले मेरा सवाल पार्थ जी आपसे, क्योंकि आप एक युवा हैं, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? जिस मुद्दे को हम बेस बना के इसकी बात कर रहे, तब अगर इसकी डेप्थ में जाए तो पूरा किस फॉर लव कैंपेन किसी एक चीज के प्रोटेस्ट में किया गया था जी। वो चीज हुई थी 4 दिन पहले, कभी किसी देश के नागरिक ने किसी कैफे को वैंडलाइज किया जी। जब तक मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, तब तक भारत सबसे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी आदमी को, सभी इस देश के सभी नागरिकों को उनका खुद का एक हक दिया हुआ है और उस हक के नाते मैं मानता हूं तब तक इस देश के सभी युवा और इस देश के सभी नागरिकों को उनका हक बनता है, तो जो करना हो वो अच्छी तरीके से एक लिमिट में रहकर करे। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है जी। रुझान जी, आप क्या कहेंगी? सबसे पहले जब ये किस फेस्ट के बारे में हुआ था, उससे पहले सुना था, क्योंकि वो पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी थी जी। ऐसा हुआ था कि कुछ फेसबुक में कोई दोस्तियां मिले थे, जो मेरे को नॉलेज है कि जो फेसबुक में दोस्तियां मिले थे, फिर फेसबुक पर आके चलो हम किस फेस्ट करते हैं, वी वांट टू शो के भाई, उनका ऐसा कहना है दे वांट टू गिव अ सोशल कॉज के भाई ये एड्स के बारे में हम बताना चाहते हैं कि भाई किसिंग इज नॉट एड्स और अदर थिंग लाइक दैट, एंड दे वांटेड टू शो वी आर अ फ्री डेवलप्ड कंट्री और जो कि फॉरेन में होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि शायद इंडिया में पीडीए पर्सनल अफेक्शन दिखाते हैं वो इंडिया में इतना अलाउड नहीं है, बट दे वांटेड टू शो के भाई अलाउड, इसलिए उन्होंने इसको किस लव फेस्ट नाम दिया और फिर पुलिस के पास परमिशन लेने गए। तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये तो आप अपने संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हो, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो ये लोग गए कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि दे विल नॉट गिव एनी जजमेंट, क्योंकि जो यही जो पार्थ भाई ने बताया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एवरीबॉडी इज अ राइट और विदिन द लिस्ट जो करेंगे तो उसमें कोर्ट के ना स्टॉप दे। तो ये हुआ, लेकिन फिर पुलिस ने कहा ठीक है आप कुछ लिमिट्स के बाहर करोगे तो हम आपको स्टॉप करेंगे। फिर हुआ ऐसा, ये सुनने में आ रहा है कि फिर ज्यादा लोग ब्लॉक डर गए होंगे या व्हाटएवर हुआ होगा, तो इसमें कुछ 50 लोग गए, लेकिन वहां जाके कुछ टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रेंड, माई पर्सनल से एंड माई पर्सनल इज दैट कि जहां तक आप लिमिट में करो, यू नो आपकी तरी में आज की नई पीढ़ी में यू नो किसिंग अब आम चीज हो गई है ना। पिक्चरों में भी देखोगे वो जो हमारा राहिश राशमी और वो सॉरी क्या नाम है इमरान हाशमी और वो सब, तो क्या वो बच्चों को वो देख के उनको भी चुई हटती है कि हमें कुछ ऐसा करके दिखा रहे पिक्चर में रहता है। तो अगर अपने को रोकना है तो आई वुड रादर से हमें अगर हमें बिग ब्रदर बनना है तो आई वुड रादर से कि वो बिग ब्रदर वाला काम पहले फिल्मों वाला काम करेंगे, वरना बच्चों को भी वो इसने सब आके चालू कर दिया और थोड़े आए अश्लीलता तो फिर थोड़ी होती है लेट ऑफ एक्सेप्ट, क्योंकि इस तरह ओपन में करना सही बोलू तो ये ठीक नहीं था। अगर आप कहीं खड़े होकर थोड़ा कर दिया हिम्मत चप्पी तो चलता है, बट ये कुछ ज्यादा ही करने लगे, इसलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया और फिर अब ये जो ताम झाम हम कर रहे हैं अलग से जी। पार्थ जी, यहाँ पर सवाल जैसे एड्स का सवाल खड़ा किया कि एड्स इस तरह से नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह से जो इससे रिलेशंस होते हैं ये हो रहा भी है, तो उसके लिए भी ये चीज कहीं उसका प्रोटेस्ट कई सारे लोगों ने किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देश में हमें स्वतंत्रता है, हमें वाणी की स्वतंत्रता है, हमें एक्शन की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा करने से हमारा भारत देश जो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अपनी संस्कृति को लेकर, उसको उजागर कर रहे हैं जी। जी, मेरा स्ट्रॉन्ग ये जी रुझान जी, सॉरी पार्थ जी से भी सॉरी जी। अच्छा सी, आप जो संस्कृति की बात की तो मैडम मैं आपको आपके खजुराहो की संस्कृति आपको मैं याद दिला दूं, मतलब ये संस्कृति के ढांक पे छोड़ो, उसके बहाने पे आप ये मत बोलो, आई एम नॉट
बहुत अग्री विथ यू, संस्कृति में नहीं है किस नहीं करने का, संस्कृति में अश्लीलता नहीं है, जो मैं खजूरों में थी वो अश्लीलता नहीं थी, वो एक अच्छी अच्छी रीत से हुआ था, तो एडजस्ट नॉट गेट इनटू दैट। सो किस करना एक ऐसा नहीं है कि वो अश्लीलता है, बट जिस तरह जो नाटक करते हैं, जिस तरह वो आड़े आड़े काम करते हैं, उसको अश्लीलता कहते हैं जो कर रहे थे। इसलिए आप प्लीज आप संस्कृति और किस किस एक बहुत पवित्र चीज, लेट अस एक्सेप्ट दैट, और उसको आप कंफ्यूज मत करो, बस मुझे इतना ही बोलना था जी। क्योंकि अलग 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 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, कुछ लोग उसे सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, इसी मुद्दे पर इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सिर्फ राय जानना चाहती हूँ आप दोनों की, युवा के नाते आप पार्टी क्या करेंगे? रुझान जी ने तो अपना जवाब दे दिया। मैं रुझान जी से सहमत होता हूँ जी, क्योंकि इस देश की संस्कृति 10,000 साल की जी, कभी तक हमने हिंसा का प्रयोग कर किसी भी देश पे वार नहीं किया जी। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि हम हिंसा करके, लाठी चार्ज करके या किसी कैफे को तोड़ करके हमारा मैसेज लोगों से पहुंचाए। किस करना शायद किसी लोगों के लिए वो अच्छा मैसेज नहीं हो सकता, पर हिंसा से अच्छा है ही जी। ये मेरा मानना है कि अगर हिंसा के बदले किस करना चूज करना किया जाए तो पार्थ फसावड़ा एज अ पर्सन वो ज्यादा कुछ करेगा जी। जी आपने संस्कृति बताई, पुरानी संस्कृति है उसमें भी इस तरह के दृश्य होते हैं, इस तरह से बनाई गई होती है मूर्तियां, लेकिन खुले में करना, एक विस्तार को पूरा वहां पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके करना, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें पहले ही बोला कि ये इवेंट को किड्स लव फेस्ट नाम दिया था, यानी ये लोग ये प्रूव करना चाहते थे कि किस करने से एड्स नहीं होता है, जो फैक्ट है। लेकिन अब हुआ क्या, मैं वापस रिपीट करना चाहती हूँ कि ये जो नामी थोड़ा थोड़ा आड़ा आड़ा लग रहा था लोगों को, नॉर्मल लोगों को, और फिर उन लोगों को ये टेंशन हुई क्योंकि ये फेसबुक वाले लोग मिले, जिसने भगवान जाने कहा कैसे कैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है, और फिर ये पुलिस के साथ इसलिए दे वांटेड टू स्टॉप इट, और कुछ हद तक वो लोग सक्सेसफुल रहे भी है, क्योंकि जो पुलिस का मानना है ऐसा हुआ। अगर आपने कुछ फोटोज क्लिप्स देखी है, जो मैंने देखी है, तो वो ऐसे थोड़े अश्लील, ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सीइंग, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो अब आप रास्ते पे खड़े रह के थोड़ा ढंग वाला किस करो ना, वो आड़ावला वाला किस क्यों करते हो? तो पुलिस ने स्टॉप कर रहा, ऑब्वियसली वो प्रोटेस्ट ऑफिस। और लेकिन एक चीज आप देख ली थी कि जो खाली 50 से 60 लोग मिले, जो पहले उन लोगों को 500,000 लोग मिल रहे, ताकि लोगों को बाद में इतनी बुद्धि आई कि नहीं ये गलत हो रहा है, अपने कोई अपना प्रेम दर्शन या एनटीएच दिखना है तो जरूरी नहीं कि किसके एनटीएच दिखाएंगे, जिससे लोग उन लोगों काफी लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया। सो ये पॉजिटिव साइड है, लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि लेट अस, आपने जो अपने पास जो फ्रीडम दी है, तो अपने को फ्रीडम मिसयूज नहीं करना है, किसिंग इज नॉट बैड, मैं हमेशा कहूंगी, लेकिन आप इस तरह रास्ते पे तमाशा करके और किसी को अनजान लोगों को जाके ऐसे किस करोगे? क्योंकि वहां ऐसा भी हुआ कि कोई बेचारा जानना पहचान वाला भी गलती से भी पहुंच गया हो, तो वो भी चम्मच पिक करेगा, बोले तो किस डे किस डे, तो बेचारा उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये भी देखने वाली बात जी। लेकिन ऐसा इवेंट करने की क्या जरूरत है पार्टी, ये मैसेज देने के लिए, ये इवेंट देने की क्या जरूरत है, ये इवेंट करने की क्या जरूरत है? 125 करोड़ लोगों का देश जी। आज मुझे जब तक लगता तब तक ये इवेंट तो हो गया जी। इवेंट को जब इवेंट का जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया बजरंग दल वाले या किसी और पार्टी या हिंदू संगठन, उसका जब प्रोटेस्ट किया, मुझे लगा कि उसकी वजह से शायद ज्यादा हवा मिली है। आज देश के किसी पश्चिमी कोने में बैठ के हम जब स्टूडियो में इसकी चर्चा कर रहे हैं, तब इसका ये प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट करके हम उन लोगों ने इसको ज्यादा हवा दी। शायद ऐसा भी होता कि कोची में छोटा इवेंट होकर समाप्त भी हो जाता जी।